तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष के टीजर रिलीज होने के साथ ही विवादों में आ गई है। विवाद की सबसे बड़ी वजह सैफ अली खान के रावण लुक को लेकर है। इसी के साथ हनुमान सेना के चित्रण और जानकी के रूप में कीर्ति सेनन और राघव के रूप में प्रभास के बीच फिल्माए गए दृश्य को अयोध्या के संत अमर्यादित बता रहे हैं। पूछ रहे हैं कि यह किस धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है कि जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। इसी को लेकर अब साधु संतों की मांग है कि इस फिल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल बैन करें। फिल्म के टीजर रिलीज के मौके पर अभिनेत्री कीर्ति सेनन ने जो कहा था कि इस फिल्म के किरदारों को आप जानते हैं, पूछते हैं, इतिहास से जुड़ा है, अब उसी इतिहास और संस्कृति से छेड़छाड़ का आरोप उनकी फिल्म आदि पुरुष पर लग रहा है और इसमें जानकी के रूप में उनका किरदार भी कटघरे में है, इसलिए सबसे पहले हम सुनाते हैं कि फिल्म देखने को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि रामायण के जिस किरदारों को पूछने और जानने की बात कर पूरी फिल्म यूनिट लोगों से फिल्म देखने की अपील कर रही थी, अब उसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रामायण और रामचरितमानस जैसा तो इस फिल्म में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है मर्यादा संस्कृति और सनातन धर्म का बस मजाक उड़ाना भर है। विरोध के बीच अयोध्या से ऐसी आवाज उठना आदि पुरुष के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। देखिए, सनातन धर्म का चाहे जो भी चरित्र हो, ये उसके साथ यदि खिलवाड़ किया जाता है तो उसका घोर विरोध होता है और घोर विरोध संत समाज करता है, क्योंकि भगवान राम का चरित्र जो है वो आदर्श पुरुष के चरित्र हैं। उसमें जो रावण भी सीता हरण किया है वह अभी मर्यादित है, उसमें हनुमान जी का रोल है वह बड़े ही शांति से गए हैं, और जिस प्रकार से भगवान राम की सेना वहाँ गई है और मर्यादा के साथ, मर्यादा का उल्लंघन, सनातन धर्म के नियम और रामायण का जो आदर्श है उसको छोड़ करके आज तक कोई भी न लीला हुई है और न ही ऐसा चरित्र बना हुआ है, और जो ये आदिमानों के नाम से बनाया जा रहा है, चाहे वो रावण का रूप हो, ऐसा लगता है कि जैसे रावण एक मुसलमान है और आक्रांता है, भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसी प्रकार से हनुमान जी का जो दिखाया जा रहा है वो कूदते फांदते ऐसा नहीं है, बंदरों का जो रूप दिखाया जा रहा है वो सब गलत है, देवता ही आकर के बंदर रूप में आए थे भगवान राम के सहारा करने, उनके सहयोग देने, न कि वो राक्षस के प्रवृत्ति का छिंकल प्रवृत्ति की रहे। इसलिए आदिमानों के रूप नाम से जो भी यह बनाया जा रहा है, ये रामायण का झूठ, देखिए ये जो जिस रूप में दिखाया गया है, भगवान राम पकड़े हैं, सीता झूला झूल रही, कहीं नहीं ऐसा चरित्र में है ही नहीं है पूरे रामायण में। किस रामायण के आधार पर इन्होंने यह पिक्चर बना रहे हैं यही नहीं पता चलता है, ये पता नहीं है किसी मुस्लिम पर्सनल विचारों से प्रेरित होकर के यह बनाया गया है जो सनातन धर्म के बिल्कुल प्रतिकूल है, इसलिए यह बैन करने योग्य है, इसको बैन लगाना चाहिए, नहीं तो इसमें हमारे जो सनातन धर्म है, जो रामायण की मर्यादा है, जो राम के, सीता के, हनुमान के और रावण के स्वरूप हैं, वह विकृत हो जाएंगे और लोग देख करके भ्रमित होंगे, इसलिए इस पर बैन लगाना चाहिए। देखिए, आदि पुरुष कोई भगवान राम पर फिल्म नहीं है। आदि पुरुष ने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये उसका खुल्लम खुल्ला मजाक है। रावण का जो किरदार है वो पूरे ब्राह्मण समाज के लिए अपमानित है। रावण एक प्रकांड विद्वान था उस समय, धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरे भूमंडल में रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, शिव का भक्त था, और जो शिव का भक्त होता है वो त्रिपुण लगाता है। आदि पुरुष का जो रावण है वो जोकर है, वो देखने से लगता है कि बाबर है, बाबर की औलाद है, माथे पर तिलक नहीं। हम आपको बता दें, अयोध्या में ही उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में एक रामलीला हो रही जिसमें पूरे फिल्मी कलाकार हैं, और सौभाग्य से उसमें भी जो रावण का रोल कर रहा शाहबाज खान मुस्लिम है, लेकिन उसको देखने से लगता है कि हाँ ये रावण है, उसकी वेश भूषा आचरण चाल चरित्र बोल भाषा। और आदि पुरुष में हनुमान जी जिनको जो साक्षात शिव के अवतार हैं जोकर बना दिया है। आपको बता दें, जब प्रभु श्री राम इस धरती पर अवतरित थे उस समय 33 करोड़ देवी देवता उनके आसपास थे, पूरी वानर सेना को जोकर बना के रख दिया। माता जानकी और प्रभु श्री राम का जो संवाद दिखाया गया है कि माता जानकी झूले पर झूल रही हैं नीली साड़ी में, सिर पर उनके साड़ी नहीं है, प्रभु उनको पकड़े हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में कहाँ ये दृष्टांत आए। हम आपके इस चैनल के माध्यम से
अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से करबद्ध नतमस्तक होकर याचना करते हैं कि आप स्वयं एक राम भक्त हैं और मैं मानता हूं कि आपसे बड़ा इस समय भारत में कोई राम भक्त नहीं है, तत्काल इस फिल्म पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए।